मैं मेरे बेटे को लेके आया हूँ। बेटा 24 साल का होगा। बेटे को 2010 में मैंने इसकी पूरी रीडिंग की, इसकी पूरी प्रॉब्लम आ रही थी कानों में, ऑडियोमेट्री कराई थी, इसके दोनों कानों में वीकनेस थी। उसके बाद 2018 में, पहले 2010 में एक मशीन लगाई थी और एक में नहीं लगाई, और डॉक्टरों ने तो रिकमेंड किया था कि आप दोनों कानों में लगाओ ताकि ये स्टिल मतलब स्टैंड रूप रहे। लेकिन इसकी लापरवाही से क्या है कि ये मतलब एक कान में लगाई, उसको भी आधी बार लगाता आधी बार नहीं लगाता। 2018 में हम वापस डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने हमारे ऊपर थोड़ा नाराज हुआ और बोला कि जो आपने इसको जब पहले 2010 में बोला कि आप दोनों कानों में मशीन लगाओगे तो और वीकनेस हो गई है, और अब भी आप इसको ठीक करना चाहते हैं दोनों कानों में मशीन लगा दो, इससे क्या है कि ये नहीं लगाएगा तो ये थोड़ा कई चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है। तो मैं 2018 से इसके कानों में दोनों मशीन लगी है, और इसके बाद अभी आपके 2020 में नवंबर 19 में 2019 में नवंबर दिसंबर में बाई हुए एकदम कोई इसमें आपके यूट्यूब में मैं कुछ देखते देखते लिंक आ रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको देखता हूँ। मैंने इसको टैप किया था, टैप करके देखा, साथ में 2-3 लिंक और नीचे आते गए। आने के बाद क्या और फिर मैं कॉन्फिडेंस हुआ, आपके 3-4 वीडियो देखे, मैंने आपके यहाँ पे सेंटर पर बात भी की। बात करने पे उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने सारी हिस्ट्री वगैरह पूछी, बोले आप ठीक है आ जाइएगा। उसके बाद हमारी किस्मत में ये थोड़ा कोरोना लिखा था तो हम आ नहीं पाए, और जैसे समय मिला अभी आपसे थोड़ा संपर्क किया, आपने कहा वेलकम आइए, आज हम आपके यहाँ सेंटर पर आए हैं। और सेंटर पर आने के बाद दोनों कान की मशीन से आपने चेक किया, दोनों कान की मशीन से करीब 15-20 फीट तक आवाज़ आ रही थी, और मशीन हटा के आपने बात की, बच्चे से देखा सुना तो 5 फीट की दूरी से आवाज़ आ रही थी, 5 फीट से दूर से ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आ रही थी। और आपके यहाँ से जो इलाज दिया हमने, इलाज लेने से क्या है कि अभी जो मशीन लगाने से 15-20 फीट दूरी से आवाज़ आ रही थी वो बिना मशीन से आराम से आवाज़ आ रही है, और हम बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं बच्चे के लिए। और बच्चे के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा गाइड किया, कई चीज़ें बातें ऐसे बताइए मतलब बच्चे के भविष्य के लिए, तो हम बहुत खुश हैं। पर मेरा नाम मुकेश चौहान है, इम्प्रूवमेंट हमें फील हो रहा है अभी जो फर्स्ट थेरेपी दी है, और इसके बाद अब कंटिन्यू किया है 6 मंथ का ट्रीटमेंट, अब हम आशा यही करते हैं कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो यही मैसेज देता हूँ कि आपको जब भी अपने बच्चे में ऐसा कहीं कमी महसूस हो लगे कानों के रोग, कानों के रोग में ऐसा सुस्त रहे, अपने आप में खोए रहे, आप पुकारते हो बोलते हो तो सुनता नहीं है, तो उसको जल्दी से जल्दी चेकअप करें, और यथासंभव हो सके तो इस वीडियो को देखें और विश्वास करें और इनसे संपर्क करें। ये इसमें मेरा कोई इनकी कहीं भी बातें नहीं है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए लेके आया हूँ, मैंने अभी जो देखा है परखा है, इलाज लिया है, दोनों कानों में दवाई डाली है, और उसके बाद मैं जो 5 फीट की दूरी से हमें मतलब ये सुन रहा था वो 15-20 फीट की दूरी से बिना मशीन से सुन रहा है, तो 2 घंटे का जो दोनों कानों में 1-1 घंटे में दवाई डाली है, इससे बहुत फर्क महसूस।